नमस्कार, मैं हूं जिलीत। आप देख रहे हैं जिलीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन रेल में मिलने वाली खाने के बारे में। क्या बातें होने वाली है, आप समझ चुके हैं मेरी पहली लाइन ही सुनकर, क्योंकि इंडियन रेल बदनाम है अपनी खाना और तत्काल टिकट को लेकर। हालांकि कमियां तो बहुत सारी है, लेकिन इंडियन रेल बदनाम है खास तौर से तत्काल और खाने को लेकर के। ये जो खाना की क्वालिटी, क्वांटिटी और रेट के मामले में जो खाना खराब मिलता है, इसको सुधारने के लिए दो तरीके हैं। एक आपको करना पड़ेगा, दूसरा सरकार करेगी। क्या कुछ होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, अगर आपने नहीं किया है तो। दोस्तों, भारत में लगभग 95% लोग रेलवे में सफ़र कभी ना कभी एक या एक से ज़्यादा बार कर चुके हैं। इन 95 से लगभग 70 से 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक या एक से ज़्यादा बार ट्रेन के अंदर रेलवे का पेंट्री कार वाला खाना या फिर IRCTC वाली खाने को मंगाकर खाया है। और 99% ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ये जो खाना है, इससे घटिया खाना भाई कहीं और हो नहीं सकता है। इतना घटिया खाना, इतना ज़्यादा खराब। क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस। क्वांटिटी कम है, क्वालिटी खराब है, प्राइस ज़्यादा है। ज़्यादा बोलो तो वहाँ दादागिरी। तो भाई नहीं, हो क्या रहा है? भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम इन लोगों की गुलामी कर रहे हैं जो हमारे देश के अपने हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं। वो खाना खिलाकर हम अपने बच्चों को बीमार होता हुआ देख सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या आप भी उनमें से हो कि उस खाने को खाने के बाद खुद को, भारत को और इंडियन रेल को दो चार गालियाँ दी, बस खत्म? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक छोटा सा आंकड़ा यहाँ पे आपको देना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग रहते हैं, जितने वहाँ की पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा लोग हमारे भारत में इंडियन रेल में हर वक्त सफ़र कर रहे होते हैं। अब ऐसे में इतने लोगों को अगर लूटा जाए, कोई लूटता है, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, ज़रा सोचिए। इंडियन रेलवे के कुछ वेंडरों के जरिए से ये लूटने का काम इतने लंबे समय से चल रहा है कि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने को चला है। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं जिनमें ये चीज़ें साफ साफ दिखाई गई है। खाना बनने से लेकर के पैसे कलेक्ट करने तक एक रेल यात्री से हर एक चीज़ में गलत चीज़ें नजर आई है। जैसे कि खाना जो बनता है, वहाँ साफ सफाई के मामले में इंडियन रेलवे लुल है। उसके बाद जो क्वालिटी क्वांटिटी की तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले से। अब खाना परोसने के बाद जो पैसे कलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ भी अक्सर ज़्यादा दाम देने पड़ते हैं पैसेंजर्स को। तो क्या हुआ? कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ हुआ? क्या हुआ? आज तक ये चीज़ें चल रही है। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, ठाणे के एक चार्टर्ड अकाउंट ने शिकायत दर्ज कराई थी जनशताब्दी एक्सप्रेस में खराब खाने को लेकर के। उसके बाद रेलवे ने 1,00,000 रुपये का जुर्माना उस वेंडर को लगाया। क्या यही सॉल्यूशन है? क्या इससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी? मुझे तो लगता है दोस्तों, ये जो 1,00,000 रुपए है, उसके सिर्फ चंद दिनों की कमाई है जो इलीगल तरीके से लोगों को खाना दिया जा रहा है। चंद दिनों की, दो चार दिनों में वो उससे ज़्यादा कमा लेता होगा। तो फिर क्या इससे ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए? इस तरह की सज़ा होनी चाहिए थी? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उसकी लाइसेंस जो है, उससे कैंसिल करानी चाहिए थी। जुर्माना तो जो आपको ठीक लगे आप वो ले लो, साथ में सजा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कई सारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रही है। आप मेरी इस बात से कितनी सहमत हो, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि दोस्तों, इन खाने को खाकर कई बार कई सारे यात्री बीमार भी पड़ चुके हैं। साल 2015 से 2016 के बीच में 11,974 शिकायत दर्ज की गई थी इंडियन रेलवे में खाने को लेकर के। और ये वो लोग थे जिन्होंने शिकायत दर्ज की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाने के बाद गाली वगैरह देके वो चुप हो गए। और उन्होंने, उनको शायद ये लगा होगा कि भाई यही सिस्टम है रेलवे में, शायद ऐसा ही खाना मिलता होगा, शायद इसी टेस्ट का इसी क्वांटिटी के साथ खाना मिलता होगा। ये सोच के भी कई सारे लोगों ने छोड़ दिया। जो समझदार थे उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। अगर इन कंप्लेंट्स पर कोई कार्यवाही होती तो क्या ये आज होता? क्योंकि आज भी ये हो रहा है। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले का। ये चीज़ें हो रही है और होती रहेगी। जब तक आप नहीं चाहोगे, जब तक आप चुप रहोगे, ये चलता रहेगा ऐसे ही। दोस्तों, मैंने कई बार देखा है और आप भी देखे होंगे, इंडियन रेलवे या तो पानी होता नहीं है या तो बहता रहता है, यानी कि नल जो है ख़राब रहती है। क्यों इतनी घटिया क्लास की सर्विस मिलती है इंडियन रेलवे? आप अगर खाने की बात करो तो खाने में जो मेन्यू कार्ड होता है वो तो मिलता ही नहीं है, और पैसे जब हम देते हैं उसकी पक्की रसीद या बिल जो है वो भी नहीं मिलती। हालांकि रेलवे ने इसको लेकर के कई सारे नए नए कदम भी उठाए हैं, तो अभी शायद ये कुछ कुछ जगहों में होने लगा है, लेकिन पूरी इंडियन रेलवे में अभी भी ये चीज़ें जो है ठीक नहीं हुई है। ट्रेनों के अंदर में आप जब खाने की क्वालिटी या प्राइस को लेकर के बहस करने लगोगे, तो यहाँ दादागिरी धांधली भी होती है, आपको देना पड़ेगा। ऐसा एक वेंडर आपसे कहता है,
आपको अगर यकीन नहीं होता है आपके साथ ये चीज़ें नहीं हुई है, तो आप YouTube पर कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करो, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है इसके खिलाफ, YouTube सोशल मीडिया पर अपलोड्स भी हुई है। दोस्तों मैं यहाँ आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके जो भी इंडियन रेलवे में जो भी प्राइस है, जो खाने की जो असली दाम है, वो दाम आपको मिल जाएगा, उससे देख ले। मैं यहाँ चाहता इस वीडियो में तो बता भी सकता था आपको, लेकिन हो सकता है वीडियो तो हमेशा के लिए रहे यूट्यूब पर, हो सकता है कल को प्राइस बढ़ सकते हैं घट सकते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में बताना सही नहीं समझा। अगर घटेंगी बढ़ेंगी तो उस वेबसाइट में आप जाएंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा जो भी रियल प्राइस है। इस प्राइस को देख के वही आपको पे करना होगा जब आप ट्रेन में कोई चीज़ मंगाएंगे, कोई चीज़ खाएंगे, तो साथ में पक्की रसीद आपको मांगना होगा। अगर कोई बंदा या कोई वेंडर आपको इन सब चीज़ों से ये सब आपको करने नहीं देता है, तो ऐसे में आप उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप कोशिश करें वीडियो बनाने के लिए, अगर वीडियो बना सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लोग अक्सर यही करते हैं। नहीं तो फिर आपको ये जो स्क्रीन पर आपके नंबर दिख रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके या फिर @IRCatering में भी आप ट्वीट करके भी, ट्विटर में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो PNR नंबर के साथ में। दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दो बातें कही थी कि एक आपको करना होगा, दूसरी इंडियन गवर्नमेंट को करनी होगी। तो पहली जो है आपका काम यह है कि आपको चुप नहीं रहना है, जो भी चीज़ें आप यहाँ तक स्टेशन में अगर गंदगी है तो उस रेलवे स्टेशन के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करा सकते हो उसी स्टेशन के अंदर में। जी हाँ दोस्तों ऐसा भी होता है, तो यहाँ ट्रेन है तो ट्रेन के अंदर में अगर कोई भी चीज़ आपको गलत लगती है तो शिकायत दर्ज कराना कभी ना भूले। आप कॉल कर सकते हैं ये जो नंबर है इस पर, या तो फिर आपको आप ट्वीट भी कर सकते हैं, या तो फिर आप कंप्लेंट बुक उनको मांगिए, जो वेंडर है वो आपको देगा, ये नियम है, देना पड़ेगा, अगर वो नहीं देता है तो ये सारी बातें भी आप सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर कर सकते हो, या फिर कॉल करके, जो लोग ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें थोड़ी मुसीबत होगी, तो वो कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। देखिए अगर हर रोज़ लाखों की तादाद में इस तरह के शिकायत आएंगे तो यहाँ ये चीज़ें जाहिर सी बात है कम होंगी। अगर आपको लगता है कि भाई 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे या 24 घंटे का मेरा सफ़र है, मैं क्यों इतना टेंशन लूँगा, तो माफ़ करना, आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो भी, आपके बच्चे, आपके पोता पोती जो है वो भी इसी तरह के समस्याओं से गुजरेंगे। आपके बच्चे इन खाने को खा करके बीमार पड़ेंगे, और यहाँ से जो गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को ये जो वेंडर, ये जितने भी लोग इनके साथ मिले हुए हैं, वो और तरक्की करेंगे। तो क्या आप ऐसा चाहते हो? ये तो रही आपका काम, और रही बात सरकार की, तो सरकार को यहाँ उन वेंडरों का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा, जुर्माना के साथ उनको जेल में डालना होगा, तभी जाके कोई और इस तरह की चीज़ें करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। ये 2 सुझाव है मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आप मुझसे कितनी सहमत हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।